हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसएस किचन। मैं हूँ शैली। घर में मेहमान आ रहे हैं तो मीठे में क्या बनाए समझ नहीं आता है। जल्दी से अगर हमें कुछ बनाना है तो राजभोग इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं एकदम हलवाई स्टाइल राजभोग, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ और एकदम परफेक्ट चाशनी के साथ। तो मेरी इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं हलवाई स्टाइल राजभोग। तो फ्रेंड, राजभोग बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे, इससे हम छेना बनाएंगे। मैंने ये दूध रख दिया है गैस पे बॉईल होने के लिए। दूध यहाँ पे बॉईल हो चुका है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है इसकी। ये मैंने आधा नींबू और उसमें 2 चम्मच पानी डाला है। ग्रेजुअली मैं इसमें ये ऐड करूँगी और इसको चलाती जाऊँगी और दूध से हमारा छेना सेपरेट हो गया। अब हम इसको छान लेंगे अच्छे तरीके से। मैं एक छन्नी लूँगी और उस पर एक मलमल का या कॉटन का कपड़ा बिछाऊंगी। जो है मैं इसको छेने को अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी ठंडा पानी डाल करके, ताकि इसमें से खटास निकल जाए नींबू की और ये ठंडा भी हो जाए। अब मैं इस कपड़े को कलेक्ट करके इसको स्क्वीज कर लूंगी। इसको मैं 10 से 15 मिनट अलग छन्नी पे एक रख देती हूँ ताकि इसका जो एक्सेस ऑफ वाटर हो वो निकल जाए। छेना हमारा ठंडा हो चुका है। इसमें मैं डालूंगी कलर, येलो फूड कलर है ये। अब मैं इसको मल लूंगी अच्छे तरीके से हथेली की हेल्प से। इसको मैं मल मल करके चिकना कर लूंगी अच्छे तरीके से। जितना आप अच्छा इसको मलेंगे राजभोग होगा वो उतना ही ज्यादा स्पॉन्जी और उतना ही ज्यादा जालीदार बनेगा और बहुत अच्छा रस भी पिएगा। इसको मलना इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट टास्क। छेना बेलते टाइम अगर आपको लगता है कि आपका छेना ज़्यादा गीला है तो आप उसमें 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी मिला सकते हैं। इस तरह से अगर आपका छेना रोल होने लगे और कलेक्ट हो जाए इजीली, ये देखिए इस तरह से, दैट मीन्स आपका छेना एकदम परफेक्ट बना है इस तरह से। ये देखिए मैं आपको इसकी एक छोटी सी बॉल बना करके दिखा देती हूँ। अगर छेने की बॉल में क्रैक्स हैं तो आपको थोड़ी देर उसको और मलना पड़ेगा। अगर आपकी छेने की बॉल एकदम स्मूथ और चिकनी बनी है तो आपका डो एकदम परफेक्ट है। ये देखिए नो क्रैक्स, बॉल एकदम चिकनी बनी है, दैट मीन्स हमारा डो परफेक्टली बन चुका है। अब हम राजभोग की बनाएंगे स्टफिंग। इसके लिए मैंने ये मेवा लिया है, ड्राई फ्रूट्स हैं बादाम, काजू और पिस्ता। इसमें मैं ऐड करूंगी कुछ धागे केसर के, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। स्टफिंग रेडी है। इस तरह से एक पेड़ा लेंगे, इसको हथेली पर मैं ऐसे करूंगी, फ्लैट करूंगी इसको। इसमें भरूंगी मैं थोड़ी सी फिलिंग, बहुत ज़्यादा ना भरें अदरवाइज बाहर आ जाएगी नहीं तो, और इसको केयरफुली बंद कर दें लाइक दिस। बहुत हल्के हाथ से इसकी एक बॉल बना लें। ये देखिए एक बॉल बनके हमारी रेडी है। इसी तरह से मैं बाकी की बॉल्स भी बना लेती हूँ।
इस तरह से मेरी छेना बॉल्स बन करके एकदम रेडी है। अब हम बनाते हैं इसके लिए चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक पैन, इसमें मैं डालूंगी 2 कप भर के चीनी, 1 लीटर जैसा पानी, 1/4 चीनी को करूंगी स्टर ताकि ये इसमें प्रॉपरली घुल जाए। चीनी घुलने के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कुछ धागे केसर के, थोड़ा सा डाल दूंगी इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून जैसा डालूंगी मैं इसमें केवड़ा वाटर, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आ जाएगा इससे। और इस पानी को मैं बॉयल होने दूंगी, जब तक ये पानी बॉयल नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसमें अपने छेने की बॉल्स को नहीं डालूंगी, अदरवाइज वो फट सकती हैं। गाइस पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, और अब इनको मैं ढक दूंगी और इनको कुक होने देंगे कम से कम 10 से 12 मिनट ऑन अ मीडियम टू हाई फ्लेम। फ्रेंड्स 12 मिनट जैसे हो चुके हैं मुझे इसको बॉईल करते हुए, मैंने गैस फ्लेम ऑफ कर दी है, मैं आपको इसको खोल करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं राजभोग हमारा, इसको हम ठंडा होने देंगे और तब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। सो हमारे राजभोग एकदम ठंडा हो चुका है, बहुत बढ़िया दिख रहा है देखने में। मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ। बहुत स्पॉन्जी बना है एंड टेस्ट इज ऑसम, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।